दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक एनिक में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा नोको प्रिंट ऐप से कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं एक फाइल लेता हूं, एक PDF फाइल लेता हूं मैं। देखिए मैंने जैसे PDF फाइल ले लिया, मैं इसे नोको प्रिंट ऐप में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा यहाँ प्रोसेस मिलेगा, जो आपका PDF है अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर करना है आपको ओके। ओके होने के बाद में आपका प्रिंटर यहाँ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपका प्रिंटर, अभी आप देख रहे हैं मेरी PDF का साइज छोटा है, तो मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ आपको नॉर्मल साइज हो गया। अब मेरे को यहाँ से कलर और ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकालनी, तो उसके लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा और कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको यहाँ ऊपर एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे सेटिंग में ओपन किया, उसके बाद पेपर एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है आउटपुट कलर। आउटपुट कलर पर क्लिक किया, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कलर एंड मोनोक्रोम। कलर आपका जो प्रिंट होगा कलर ऐसा निकलेगा, और मोनोक्रोम होता है ब्लैक एंड वाइट। अगर आप ब्लैक एंड वाइट निकालना है तो मोनोक्रोम पर, आपको कलर निकालना है तो कलर पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना प्रिंट कलर एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन। दोस्तों थैंक यू सो मच।